वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड मैं हूँ समायरा एंड आज मैं व्लॉग कर रही हूँ। मैंने पहले ही कर दिया था बट मैंने हाय गाइस नहीं बोला था। सो या अगेन हाय गाइस एंड कल है मेरा बर्थडे तो उसके लिए मैं ना प्री बर्थडे काइंड ऑफ गिफ्ट अपने आप को दिया है। हेयर कलर कराया फॉर द फर्स्ट टाइम एंड कट तो मेरे को बहुत दिन से मन था कराने का एंड आई थिंक मेरा मुँह बहुत ज़्यादा बड़ा लगने लगा है इसकी वजह से बट स्टिल लुकिंग क्यूट। हम लोग कल आ गए थे देहरादून, ये आ जाइए। आई डोंट नो ये कौन सा जगह है, मैं पूछ करके ना मेंशन कर दूंगी, करा लेना। देखो ये इसने ना नया फ़ोन लिया है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अपने पैसे से लिया है वैसे तो। EMI पे हाँ ठीक है, EMI पे। यहाँ पे ना बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट लग रहा है, मतलब काइंड ऑफ व्यू पॉइंट कह सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे ये ब्लॉसम काइंड ऑफ कुछ है। देखो इधर कितना प्यारा लग रहा है, उधर वाह ये कितना सुंदर लग रहा है। तो हम लोग जस्ट नॉर्मल ड्रेसअप होके यहाँ आ गए थे। अब मैंने बाल अपना कट करवा लिया है, सब कुछ करवा लिया है। हम यहाँ से कोई मॉल जा रहे हैं जो घूमने के लिए, बट हाँ पैसिफिक मॉल। बस हम यहाँ से अब निकलेंगे एंड हमने कुछ ड्रेसअप नहीं किया, बस नॉर्मली हम उठ के आ गए थे। हमारे साथ क्या हुआ है, ऑटो मैलफंक्शन, जिप टूट गया है, तो एक्स्ट्रा ना कभी भी आओ ना ट्रैवल करने तो गाड़ी में एक एक्स्ट्रा रख के ही आओ भाई। बहुत मतलब बहुत पीछे मेरे पहाड़ का व्यू है, छोटा मोटा, बहुत ज़्यादा लाइक पहाड़ नहीं है, बेसिक पहाड़ मसूरी में। तो मसूरी तो हम लोग कल जा रहे हैं, कल मेरा बर्थडे है गाइस। कल का प्लान है मेरे बर्थडे का मसूरी जाने का, आई होप सो एंडेड ऑफ समथिंग। वो मैं ना अभी दो दिन से कह रही हूँ एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड एंड मेरे साथ वही कुछ हुआ है। मैं ना बाल कलर नहीं करवाने वाली थी बट एट द एंड करवा लिया। वी आर एक्सप्लोरिंग थोड़ा सा बाहर एंड एक्सप्लोर क्या मतलब टहल रहे हैं, अकेले आए हैं। तो यहाँ पे हमें मिला है उत्तरांचल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ब्लॉक बी एंड इधर है प्रॉपर मतलब कॉलेज, आई डोंट नो कौन सा लाइक ये कॉलेज ही होगा इधर वाला या मे बी इधर वाला हॉस्टल हो सकता है, बट काफ़ी अच्छा है। ये ना दीदी यहाँ पे मतलब फ़ोटो खींच रही है मेरे भाई का। अच्छा गॉबलिन OST, बट गॉबलिन वाला फीलिंग तो नहीं आ रहा क्योंकि गॉबलिन में फॉग रहता है ना। कमरा उधर है, वो जिधर गाड़ी जा रही है ना उधर ही आगे जाके कुछ थोड़ा सा ऐसे रास्ता सोसाइटी टाइप का है, तो वहीं पे हम रुके हुए हैं। यह है चाट फिल्स, ये वाला बहुत बेकार है और ये वाला थोड़ा सा ठीक है, लाइक ओकेश है। ये रहा, नहीं ट्राई कर सकते हो लेकिन बहुत बेकार पैसा वेस्ट, 20 रुपए। ओ भाई 20 रुपए का है, पापड़ी चाट जैसा लग रहा है, लाइक दही वाला टेस्ट है इसमें हल्का हल्का, मतलब हाँ दही पूरी दही पापड़ी जो भी है, बट इसका टेस्ट ना रिजेम्बल नहीं करता बिल्कुल भी पापड़ी चापड़ी पाट। टूरिस्ट को क्या बोलेगा, उल्टा बोल रहा है ये। जैस इसका नाम है पापड़ी चाट ट्विस्ट, इसको क्या बोल रहा है, चापड़ी पाट और ट्विस्ट को क्या, ट्विस्ट को ट्विस्ट ही रहेगा क्या, थोड़ा अच्छा भी लगना चाहिए सुनने में, गजब है। अच्छा चार्ट फील्स को क्या बोलेगा, हार्ट चिल्स, हार्ट चिल्स खा रहा है ये। एक डॉगी आया है हमारे पास कुछ मांगने के लिए, बट हम मीठा नहीं दे सकते हैं। इसको मीठा, लेकिन जो घर वाला डॉगी होता है ना उसको मीठे से ज्यादा होता है कि सूंघ लिया तो मतलब मन मचल जाता है, इनको क्या ही फर्क पड़ता होगा। पागल मत खिलाओ, देखते हैं इसलिए बाकी गाना मांगे थे भाई, नहीं खिलाना चाहिए, कैंसिल हो जाओगे, नहीं खाया, चलो दैट्स गुड बॉय। फिराया लेती हूं मैं जब जोर जोर से, फाइनली 2003 के बाद से वर्ल्ड कप जीत गया, वर्ल्ड कप में पहला मैच न्यूजीलैंड से जीत गया। ओके वो मैच तो देखे ना, वीडियो का
हैं साढ़े दस एंड वी आर ईटिंग रामियन. एक और हो जाएगा सबका. दिस इज रामियन जो कि मैगी अच्छा लग रहा है. लाइक स्पाइसी रामियन नहीं, बहुत नॉर्मल सा ना रामियन. चम्मच लगाई कि चम्मच लगाने का उसके एकदम चार होता है. एक दिन जिंदगी से लगता है मुझे जिंदगी से लगता है सर. भैया क्या आप मुझे मदद करेंगे? ट्रेनिंग से मेरे वाले लड़के आप ये मटक मटक के कहाँ चल रहे हो भैया? मैं क्या करूँ? ये कैसा कंप्लीट करो, कंप्लीट करो, कंप्लीट करो. अरे कैसा हंसी है. शिक्षा मिलती है. नोबिता शिजुका को धोखा दे रही है. नहीं की शिजुका नोबिता को धोखा दे रही है और डिकी सुगी को भी दे रही है. लेकिन आप इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना और भूल गए देखो भाई बहन का लड़ाई काम करते हैं. उन्होंने एलियंस को पकड़ रखे हैं. हैप्पी के खाने गा रहे हैं. पद प्लद जय पीना है ये लो. बर्थडे पे केक नहीं मिला, इसमें पानी में जहर मिला देती हूँ. आएगा पिएगा मर जाएगा. लेकिन क्या हो गया? क्योंकि दोस्तों रोते रोते हंसना चाहिए, हंसते से रोते. हाय एवरीवन, वी आर गोइंग मसूरी लैंड टूर. रिवेंडी जल्दी से बोला था. अभी हम लोग बीच में जस्ट मसूरी जाने से पहले रुके हुए हैं एंड यहाँ पे एक छोटा सा लाइक फोटो वोटो खिंचवा रहे थे स्पॉट है. बहुत ज़्यादा धूप है. रेस्टोरेंट है, मखलोगा कैफे एंड रेस्टोरेंट है. यहीं पे रुके हुए हम लोग. हमने चाय वाय कुछ नहीं पिया है, बस हम फोटो खिंचवा रहे हैं एंड वॉशरूम जाने के लिए. हाँ, और ये भी बात है कि अभी जस्ट हम खा के निकले तो ऐसे अभी मन नहीं कर रहा चाय वगैरह पीने का. सो दिस इज़ द व्यू पॉइंट. लाइक सो विंटेजी एंड लाइक थोड़ा सा ना फॉरेन काइंड ऑफ वाइब दे रहा है. एंड आई गेस किसी फॉरेनर ने ही बनवाया था 1814 में. एंड ये पूरा ही भूत वाला वाइब दे रहा है मेरे को. दिस इज सो कोजी. वाओ. अभी हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते लैंडोर की ओर आगे बढ़ते बढ़ते हमें लाइक मिला. क्या मिला बता दीजिए? मेनोर. मेनोर है ये, रॉकली मेनोर. हुआ कुछ ही यूं कि हम जा रहे थे लैंडोर और एक दूसरा रास्ता था भैया हमें मसूरी के आगे से ले जा रहे थे. बट पहाड़ों में होता है ना कि ऊपर और नीचे होता है, तो उसे गाड़ी से आओ ना तो यहाँ पे रोड बहुत ज़्यादा छोटा सा होता है, पता ही होगा पतला सा रोड होता है. सो हम लोग ना फिर आगे बढ़ गए गाड़ी से. लेकिन फिर हम जहाँ हमें जाना था लैंडोर में, प्रॉपर लैंडोर जो जगह है वहाँ, फिर हम सोच रहे हैं यहाँ पैदल थोड़ा एक्सप्लोर कर ले. एक्सप्लोर क्या मतलब, थोड़ा बहुत अगल बगल चले जाए. लेकिन ठंड है तो स्वेटर हम पहने नहीं है, जस्ट शाहरुख खान बन गए हम लोग. सभी सब लोग शाहरुख खान बने हुए हैं. देखो मैं हूं ना. We are
करके जल्दी बताओ। अभी कुछ नहीं क्या बताइए आप। कैसा होता है अंदर से? एंड दिस इज लाइक नॉर्मल सैंडविच जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा वाला मिला नहीं है, लाइक ब्राउन ब्रेड खा लो। पानी का काम तो पानी ही करता है। हम लैंडोर कॉफी पिए वहाँ पे जहाँ पे अक्षय कुमार ने कॉफी नहीं पिए, पिज्जा विज्जा सब कुछ खाए, लेकिन अब वापस हम लोग जा रहे हैं कैंपटी फॉल। मसूरी से दूसरा टर्न ले लिया था हमने, अब वापस से जा रहे हैं मसूरी की साइड, बट पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा और शायद कैंपटी फॉल बंद भी हो जाए। ओवर एंड आउट बहुत ज़्यादा धूप है अभी, पता नहीं हमने स्वेटर तो पहन लिया, ऊपर में थोड़ी थोड़ी ठंड है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आई थिंक ये वाला पहाड़ जो है ना, ये थोड़ा बंजर सा लग रहा है, मतलब बंजर इन द सेंस की बहुत ज़्यादा लाइक पेड़ नहीं है जैसे नॉर्मली इस वाले पे, उस वाले पे देखो तो कह रहे हैं कि इस पर बर्फ पड़ती है इसीलिए वैसा सा हो गया है। मसूरी के पीक पे फाइनली पहुँच गए हैं एंड यहाँ पे बस व्यू है अच्छा खासा, हम सोच रहे हैं कि कुछ खा ही लेंगे यहाँ पे। एंड मैं ना आउटफिट भी चेंज करने का सोच रही थी बट पता नहीं, सोच रही हूँ कि छोड़ देते हैं। एंड मैं ना गाड़ी में सो भी गई थी अभी, तो ना बिल्कुल मन नहीं था मसूरी आने का, बट स्मेल आ रहा है बहुत अच्छा से, खाने की खुशबू सी आ रही है। यहाँ पे पार्किंग है, इधर थोड़ा बहुत पहाड़ दिख रहा है जिसपे कि शायद बर्फ़ गिरती है कुछ समय बाद, आई थिंक। हाँ ये बंजर है पहाड़ लेकिन इस पे बर्फ़ गिरेगी कुछ समय बाद, एक सेकंड में दिखाती हूँ। सो इस वाले पहाड़ पे बर्फ़ गिरेगा और मेरे ख्याल से अभी तो क्या, अभी अक्टूबर चल रहा है ना, तो मे बी जनवरी में नहीं, दिसंबर में भी नहीं, जनवरी के टाइम पे मोस्टली आता है। हाँ तो उस वक्त बहुत ज़्यादा सुंदर लग सकता है ये इलाका। एंड मैंने देखा है बहुत लोगों को कि मसूरी में भी बर्फ़ गिरते हुए लोग आते हैं, बट मुझे लगता है कि ये पहाड़ की ना हाइट बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है जितना ज़्यादा हिमाचल में होता है, या फिर हम जब लास्ट टाइम लैंसडाउन गए थे ना वो भी काफ़ी ज़्यादा ऊँचा पहाड़ था, तो उतना ऊँचा नहीं है। एंड यहाँ पे मुझे लगता है कि ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करने के लिए मसूरी में नहीं है, ऐसे ही पहाड़ों की वाइव लेनी है किसी को तो आ जाए मसूरी। मसूरी का एक्सपीरियंस बहुत जस्ट नॉर्मल लगा मेरे को, ऐसे जिस हमारे जैसे लोग होते हैं ना जो पहाड़ ढूंढने के लिए आते हैं उनको शायद ये पसंद नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैसा पहाड़ी वाला वाइब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत आबादी है, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वैसा व्यू जैसा हम ढूंढते आएंगे ऐसा व्यू हम हर जगह ऐसा व्यू हम हर जगह ढूंढ रहे थे, बट ये हर जगह नहीं मिलेगा क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, तो यहाँ बसे हुए हैं लोग जनरली। बट हाँ ये है कि यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा देहरादून में और मसूरी में, जो नॉर्मली हर सारे पहाड़ों पे नहीं मिलता है, लाइक सब कुछ है यहाँ पे, सारी फैसिलिटीज़ है खाने पीने का एंड ऑल, मतलब एवरीथिंग है। कोई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करना चाह रहा है तो काफ़ी अच्छा रहेगा ये घूमने के लिए, क्योंकि सिंपल सा है, लाइक बहुत ज़्यादा दूर नहीं है देहरादून से, बट अगर प्रॉपर ऑफ बीट प्लेसेस जाओगे ना अगर पहाड़ों में तो ज़्यादा सुंदर लगेगा। जैसे धनौल्टी था, जैसे हम लोग ना मसूरी से नीचे उतर रहे थे ना, चार दुकान के पास थे हम लोग तभी, तो मसूरी से जब हम नीचे उतर रहे थे ना तो वहाँ पे था धनौल्टी जाने का रास्ता 23 किलोमीटर था। हमने बोला भाई ड्राइवर भैया को, भैया ले चलो, बट वो कहते नहीं रात हो जाएगा, और यहाँ रास्ते भी ऐसे होते हैं ना और जाम वाम भी बहुत लग जाता है क्योंकि वन वे, ज़्यादातर वन वे ही होता है, तो पुलिस आती है ठीक कर देती है उसको थोड़ा बहुत। सो गाइज यही है वो होटल जहाँ पे बर्फ़ गिरती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आई होप सो हम उस समय आए होते। सो लाइक बहुत नॉर्मल रहा हमारा दिन, सुबह से निकले हम, बहुत लेट ही निकले थे गाड़ी में, एंड निकलते निकलते फिर हम वहाँ पे गए थे, एक कैफ़े था चार दुकान करके, वहाँ पे अक्षय कुमार एंड सचिन तेंदुलकर एंड ऑल बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने वहाँ पे लाइक खाया था, एंड काफ़ी कॉस्टली था, हमने बहुत नॉर्मल सी चीज़ें खाई थी, लाइक बन मस्का पिज़्ज़ा सैंडविच यही सब खाकर हमारा 1,050 रुपये हो गए थे, बट फिर भी हम लगा चलो कोई नहीं खा रहे तो खा ही लेते हैं, खाएंगे पियेंगे एंड निकलेंगे घर की ओर। एंड देखते हैं अभी तो रात होना बाकी है, देखते हैं और क्या प्लान अप किया हुआ है, क्या क्या हो सकता है रात तक। सो जुबा केसरी हैप्पी बर्थडे, यही लोग ना वो एक ना अभी रील ना बहुत फेमस हुआ है, उसमें एक बच्चा आता है हैप्पी बर्थडे करता है, वही कर रहे हैं ये लोग।
सो ये लोग पागल होंगे कल रात से ही। वो एक बच्चा आता है ना, मैं ना डाल दूंगी उसका रील्स अगर आप देख लेना, अगर नहीं देखा है तो। बहुत सही है मगर इरिटेटिंग है, मतलब सारा वीडियो वो ऐसा ही बनाया है। सो अभी घर जाके शायद एक और केक काट ले। मेरा मन तो था कि मैं पहाड़ों में ऐसे केक हाथ में लेके काटूं, बट ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे कहीं केक मिले तो काट भी ले शायद, बाकी देखते हैं काट लेंगे। अभी रात तक अभी बहुत कुछ बाकी है होना, देखते हैं रात तक क्या क्या होता है। देखो उधर ना देहरादून है पूरा, क्या बोलते हैं इसको, ऐसा फील हो रहा है मेरे को कि ना पहाड़ यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ऐसे ऐसे रेंज ऊपर आती जा रही है। और ऐसा ही है, ऐसा देहरादून भी पहाड़ पे है, बट जितना ज़्यादा लाइक ऊंचा है ना ये वाला एरिया, मसूरी वाला एरिया, उतना ज़्यादा ऊँचा नहीं है। ऐसे ही हमको अच्छा लगा चाय की जिसकी विद द व्यू, अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे ठंडी ठंडी मतलब जगह में ऐसे चाय की चुस्की लेना, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा वाइब आ रहा है। एंड हम इंजॉय कर रहे हैं जस्ट नॉर्मल वाइब, क्योंकि ऐसा वाइब हमें डेली तो मिलता नहीं है दिल्ली में। दिल्ली में तो पैपू होता रहता है। देखिए हाँ देखिए अच्छा लग रहा है, मसूरी की यादें, क्या लिखा है इसमें, गिफ्ट ऑफ मसूरी। मैंने भी एक एंकलेट लिया, मैं दिखाती हूँ अभी, विच ये वाला एंकलेट मैंने लिया था, ये सिंगल पीस 100 का दे रहे थे, हमने साथ में दो लिया तो मेरे को 180 का पड़ा। एंड ये ना ऐसे छोटा सा एक लॉकेट काइंड ऑफ है, यिंग यांग का बना हुआ है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और मुझे ना एंकलेट पहनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, सो मैंने सोचा वाई नॉट, क्योंकि मेरा ना ऐसे टूट भी गया था एंकलेट। मैंने भी रिसेंटली घर में लाइक सिल्वर का ख़रीदा था, बट वो टूट गया, मम्मी डांटेगी भी मेरे को, बट कोई बात नहीं। हम अभी टहलने के लिए निकले, देखो इस व्लॉग में ना मैं अपना शक्ल बहुत कम ही दिखा रहा हूं, मैं यहां का मार्केट हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल से ना ये मॉल रोड के मार्केट से भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मॉल रोड का मार्केट बहुत कंजस्टेड है, यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है। कहाँ है, अच्छा यहाँ पे टर्किश आइसक्रीम है। ये बकवास करने हम कभी नहीं गए आज तक, तुम गई हो, अच्छा कैसा लगा? क्या है ये, वाह अच्छा लग रहा है, कितने का है ये, देखो किटी, ये बटरफ्लाई वाला भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा शॉल लिखा है, 650 का कह रहे हैं, सॉफ्ट है, कैश्मीर रियल कैश्मीर नहीं है, बट या इट्स नाइस एंड सॉफ्ट। ये कितना प्यारा लग रहा है, देखो ठंडा आएगा तो ये चल रहा है। अच्छा ये कितने की है ये सारे ब्रेसलेट्स, 10 rupees। अच्छा मटेरियल क्या है इसका, रेजिन, वन फिफ्टी, टू कॉस्टली। हाँ ये भी मेरे को गिफ्ट में मिल रहा है, ऐसा ही लेके गए थे, ऐसा ही लेके गए थे मनाली से, बट बहुत हार्ड है वो, बहुत अच्छा था दिखाना, ऐसा बहुत अच्छा था, कैश्मीर रियल कैश्मीर तो नहीं था बट काफ़ी सॉफ्ट था, अच्छा था, वैसा फील होता है ना कि बहुत ले ले गया एक। गॉट माई बर्थडे गिफ्ट इन मसूरी, ये थैंक यू सो मच कल्याणी दी, उसके
बदले में और इसके बदले में हम खुद इसको एक गिफ्ट दे दी है, तो कोई बात नहीं, चलता है। सो वी हैव डन विद आवर शॉपिंग इन मसूरी। मुझे लगा था मेरा ब्लॉग पहले ही खत्म हो जाएगा, बट हाँ कुछ नहीं कह सकते कि क्या लिखा है आगे। एंड ये पीछे का व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, और क्योंकि ना वो शाइन कर रहा है तो रात देहरादून ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, और पूरे ब्लिंक ब्लिंक कर रहा है लाइक सब रहा है। थोड़ा सा रात हो गया ना तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। सो हम पहुँच गए हैं बर्थडे के ईव पे। हाँ बर्थडे इवनिंग, हाँ इवनिंग पे। अब हमें नहीं पता हम जा रहे हैं वापस देहरादून। एंड हैप्पी बर्थडे टू मी, हम पाँच मिनट ट्रिप पे आए बस। हाँ एंड अब हम जा रहे हैं ऐसे देहरादून, कितनी बार मैं बोलूँगी ये बात। हम लोग निकल रहे हैं फाइनली, हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर लिया था हमने यहाँ का मार्केट, लाइक मसूरी अच्छा लगा, मार्केट अच्छा लगा, काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं एक छोटा मोटा। मैं मसूरी के लिए हमारा इंडोर आए, तो मसूरी से बाय बाय, आएंगे बाइक। देखो रेस्टोरेंट भी बहुत सुंदर लग रहा है गाइस, देखो देहरादून भी बहुत सुंदर लग रहा है गाइस, मेरे जूते भी बहुत सुंदर लग रहे हैं गाइस। मनीषा का व्लॉग है ये, लेकिन चलो गाइस हमें घर भी तो जाना है गाइस, तो हम तो चलेंगे गाइस। मम्मी अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो हम तुम्हारे लिए मसूरी से ही खरीदे हैं, ठीक है, ये मत सोचना कि हम कहीं और से ले लिए दिल्ली विल्ली से। तो ये रहा वो शॉप, पहाड़ तो दिख ही नहीं रहा, अच्छा ये रहा पहाड़ों की नानी मसूरी, एंड यहीं से लिए हैं, ठीक है। मम्मी बोलती रहती है निशानी निशानी लेते आना, तो ये रहा, ले आए मम्मी निशानी तुम्हारे लिए। हम लोग सब लोग मिल करके लिए हैं, हम चारों भाई बहन ने मम्मी के लिए लिया है मिल करके, लाइक पसंद पसंद करके लिया है। एंड पापा के लिए हम ले रहे थे, बट मुझे पता है पापा का पसंद, तो पापा को ना ऐसे पसंद नहीं आता चुटुक पुटुक चीज़ें, उनको अच्छा चीज़ पसंद आता है, सो हम दिल्ली जाके ही लेंगे। दिस इज बाल मिठाई, ये तो हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी में गाइस, गाड़ी मेरी दो सीटर, उसको चलाता है वो खाता है टीचर, नहीं स्पीड का टूट गया, स्पीड का टूट गया मीटर, गाड़ी मेरी चली जाए किसी के भी हाथ ना आए, गाड़ी किसके हाथ आता है, पुलिस के हाथ, गाड़ी चलाता है। हम लोग निकल गए हैं देहरादून के लिए, बस अब पहुँच जाएंगे उस देर में, हम वहीं पर डिनर कुछ करेंगे, हमने कुछ बनवाया तो धर्म भाई, ये लोग पीछे वाले को डरा रहे हैं, उन लोगों को दिख नहीं रहा है कि तुम किसको कर रहे हो। अगेन हाई एवरीवन, एंड मैं वापस से रेडी हो गई हूँ जाने के लिए। हम ना आज डिनर करने जा रहे हैं बाहर ऐसे ही कैफ़े वगैरह में। सो ना मैंने बहुत ज़्यादा, मुझे लगा था ऐसा कि मैंने बहुत ज़्यादा रेड लिपस्टिक लगा लिया है, बट मैंने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं लगाया, लाइक मुझे ये वीडियो में दिख रहा है कि मैंने नॉर्मल नॉर्मल किया है। सो दिस इज माई आउटफिट, एंड आई डोंट नो हम कौन से रेस्टोरेंट जाएंगे, बट लेट्स सी। ना अच्छा सा फील नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे ना पहनने का मन था इसको ऐसे ही एज अ स्ट्रैप, बट मेरे को इसके अंदर डालना पड़ रहा है क्योंकि ठंड है यहाँ पे। वी आर रेडी, आई एम द वॉटर गर्ल। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? मेरा फोन ऐसा अजीब सा क्यों दिख रहा है, धुंधला धुंधला सा। खाने के लिए डिनर, बट हमें अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि कौन सा रेस्टोरेंट जा रहे हैं। सो रास्ते में जो भी मिलेगा घुस जाएंगे, क्योंकि यहाँ देहरादून में सब कुछ बंद हो जाता है, ऐसा बोलते हैं लोग। 11 बजे फिर भी हम लेट हो गए रेडी होने में, बट कोई बात नहीं, बट एक तो टाइम लेती है रेडी होने में। वेलकम टू फुर्जी कैफे।
बर्थडे डिनर के लिए लगे हम लोग। वाओ सो नाइस। गाइस वी आर एट फर्जी कैफे एंड यहाँ पर मैं अपना ब्लॉग एंड कर रही हूँ क्योंकि मुझे इन्जॉय करना है। मेरी दीदी व्लॉगिंग करेगी तो उसके चैनल पे देख लेना, इसके आगे का जो भी क्लिप्स होगा। बाय बाय, गुड बाय।